तिरंगा फहराते, राष्ट्रीय गान गाते और सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा गुनगुनाते हुए मदरसे के ये सैकड़ों बच्चे 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाने में जुटे हैं। शायद उन्हें पता भी ना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में अहम ओहदों पर बैठे कुछ लोग आज के दिन भी उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करने का मौका नहीं गंवाना चाहते। संवैधानिक पद पर बैठे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने 71वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में भारत माता की जय बोलने का बयान जारी कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर रामपुर की गांधी समाधि पर झंडा फहराने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख ने भी इस बयान को हवा देते हुए भारत माता की जय बोलने को ही सच्चे नागरिक होने की कसौटी करार दे डाला। उन्होंने कहा कि सभी को भारत माता की जय बोलना पड़ेगी और जो नहीं बोलेगा वो सच्चा नागरिक नहीं। इस देश का कोई भी समाज का नागरिक, किसी भी वर्ग का हो, कहीं भी समुदाय का हो, वो भारत का नागरिक है, उसे भारत की जय बोलनी है और बोलनी पड़ेगी, समझे नहीं। और जो भारत माता की जय बोलता है वो हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक है, और जो नहीं बोलता है वो सच्चा नागरिक नहीं है। मदरसा फैजुल उलूम के मैनेजर मौलाना असलम जावेद कासमी ने सरदार बलदेव सिंह ओलख के इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। लोगों को जो भड़काने के लिए ये बयानबाजी करते रहते हैं ताकि लोगों के जो है मुल्क के असल हालात की तरफ लोग नज़र नहीं जाए, उससे लोग जो है उसकी तरफ नहीं सोचें, ऐसे मसलों में उनको उलझा कर रखा जाए। उसमें उसी तरह के कबीले में से ये उन्होंने एक नया शोधा छोड़ा, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते और इसकी जो मरम्मत करते हैं इस बयान। मौलाना असलम जावेद कासमी ने राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख को श्रोमणि अकाली दल के सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब का बयान याद दिलाया, जिसमें भारत माता की जय बोलने को सिख धर्म के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी सिख भारत माता की जय नहीं बोल सकता। हम काय को बोलेंगे, तब तो हम हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे। हम नहीं बोल सकते क्यों, करके हम फतेह परमात्मा की करते हैं, वाहे जी का खालसा वाहे जी की फतेह, हम माता की जय नहीं कहेंगे। ओलख साहब, आपको आता है पूरा वंदे मातरम? मौलाना इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि सरदार बलदेव सिंह ओलख को ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि पिछले गणतंत्र दिवस पर मदरसों में वंदे मातरम पढ़ने की सलाह देने वाले मंत्री जी खुद एक टीवी चैनल के लाइव शो में एंकर के कहने पर वंदे मातरम की एक लाइन भी नहीं सुना सके और बगले झांकने लगे थे। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से फराज कलीम की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।